गाइस, आज फिर हम बात करने वाले हैं कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कैसे कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को जितने भी टिप्स दिए हुए हैं उसको अगर आप फॉलो करते हो, तो अगर आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ पर है, तो इस वीडियो के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट देखते रहना। फर्स्ट टिप जो मेरे पास है वो है व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। अब यार यहाँ पर काफ़ी सारे जो लड़के गलती क्या करते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि मतलब जो दूसरे लोग हैं ना वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि मतलब वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, या फिर वो लड़का क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, या फिर मैं गोरा नहीं हूँ, या फिर जो मेरी स्टाइल है वो अच्छा नहीं है। तो भाई अगर आप ये सब सोचते हो ना तो ये सब बिल्कुल ही मत सोचो। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी डाउन होता है और आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल की है ना वो वाट लग जाती है। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। आप जैसे हो आप काफी अच्छे हो और आपको अपने पर ध्यान देना। यार दुनिया अपने ऊपर ध्यान देती है तो आप भी अपने ऊपर ध्यान दो, और जो फालतू जो लोग सोचते हैं ना उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। डू व्हाट एवर यू वांट, डोंट थिंक व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, दैट्स ऑल। सेकंड चीज हमारे पास है वो है डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। अब इसमें काफी सारे बंदे गलती क्या करते हैं कि वो दूसरे बंदे से ना वो खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे उसके पास स्पोर्ट्स कार है, उसके पास बहुत ज्यादा बड़ा घर है, उसके पास स्पोर्ट्स बाइक है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अब यार यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि वो जो उसके पास जो इतनी सारी चीजें हैं ना वो क्यों है, अगर वो सेल्फ डिपेंड बंदा है, अगर उसने सब कुछ अपने पैसों से किया है, तो इसके लिए यार उसने काफ़ी मेहनत की होगी, उसने दिन रात की मेहनत की होगी, तब जाके उसके पास जो इतना कुछ है ना वो है। जस्ट आपको उससे कंपेयर करने के सिवा आपको क्या करना है कि आपको अपने करियर पे फोकस करना है और आपको अपने गोल्स पे फोकस करना है, ताकि आप भी उसके लेवल पे पहुंच सको और इनफैक्ट आप उसके लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाओ। दूसरों से खुद को कंपेयर करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद पर ध्यान दो, आपकी जो लाइफ है ना वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी बदल जाएगी। अगर आप इससे फालतू चीज़ें सोचते हो ना, तो इससे बेसिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी लो होता है। फोकस ऑन योर गोल्स, नेवर गिव अप, लव यू ऑल, यू गाइस नॉट माय सब्सक्राइबर, यू आर माय फैमिली। थर्ड हमारे पास है वो है इंप्रूव योर स्टाइल। अब यार यहाँ पर आपको ना अपना जो स्टाइल है वो इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड सम गाइस सेज माय स्किन कलर इज वेरी डार्क, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम वेरी अगली, ट्रस्ट मी योर स्किन कलर डज नॉट मैटर इफ यू आर राइट। सिर्फ आपको अपना जो स्टाइल है वो अच्छा रखना है, आपको अपने आप को काफी अट्रैक्टिव बनाना है। आप जितने में हो आप उतने काफी अच्छे अपने आप को बनाओ, और जिससे क्या होगा ना कि आप काफी अट्रैक्टिव बनोगे और आपके जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्डअप होता है। अब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनने के लिए जस्ट आपको क्या करना है कि ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करो, और मेरा काम ही है आपको अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाना। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो और इसके रेगुलर सारी वीडियोस देखते हो, तो आप काफी अट्रैक्टिव और काफी स्टाइलिश बन जाओगे। दैट्स ऑल, आपको और भी कुछ नहीं करना, जस्ट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। फोर्थ हमारे पास है वो है एक्सरसाइज और वर्कआउट। अब यार यहाँ पर अगर आप जिम भी नहीं जा रहे हो, तो आपको एक्सरसाइज और जो थोड़ा मोटा वर्कआउट है ना वो करना काफी जरूरी है। अब यार यहाँ पर आप एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट करते हो तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अंदर से आता है, और अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो अगर आप अपनी बॉडी को देखते हो, अगर आपने बॉडी वगैरह अच्छी खासी बना रखी है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो अपनी बॉडी को ही देख के आता है कि मतलब सालो तुम जैसी जो बॉडी है ना वो मेरी नहीं है, मतलब पतली हड्डी सी है, ऐसे कुछ भी नहीं है, और मतलब जो बॉडी है ना वो मेरी बहुत ज्यादा सही है। तो आपको भी सेम ऐसी करना है, अपनी जो बॉडी है वो अच्छी खासी बनाओ। अगर आप जिम नहीं जाते तो डू समथिंग न्यू फॉर योर हेल्थ एंड गुड फिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है वो है स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अब यार यहाँ पर ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने में ना इन चूतियों का काफी हाथ होता है, क्योंकि यार अगर ये आपके इर्द गिर्द रहते हैं ना तो हमेशा आपकी नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई तू तो ऐसा है, तू तो काला है, मतलब तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। या फिर जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये दूसरे के सामने आपकी बुराई करते हैं और आपके सामने उसकी बुराई करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड वगैरह अगर ऐसे हैं, तो उनको दफा करो, क्योंकि ये आपको ना हमेशा नेगेटिविटी में रखते हैं और ये बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ने नहीं देते। और अगर आप हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऐसे ही काफी हाई होते रहता है और आप काफी कॉन्फिडेंट रहते हो। तो आई होप कि आपको जो बातें हैं वो समझ में आई होगी और आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल का आइकन है उस पर टैप करना, और इंस्टाग्राम पे नहीं गए तो वहां पर आ जाकर देख सकते हो मेरी कई सारी फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह है, आप जाके उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और फॉलो भी कर रहे हैं, और आपके भाई का फायदा हो जाएगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे ऐसी दूसरी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।